Haryana. And these are the issues which are taken up by the Congress party, and I do not see this as a challenge. I see this as an opportunity for the people of Haryana to overthrow this misrule of last 5 years, which was full of lies. And on 21st, you will see that the people of Haryana will deliver their verdict. Sahaja ji aur Hooda sahab, dono logon se ye sawal hai mera. Ji major. जी, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद बीजेपी ये कह रही है कि जैसे लोकसभा में रिजल्ट दिया हमने, वैसे ही विधानसभा में आप लोगों की अप्रत्याशित हार हुई है, उसको देखते हुए क्या तैयारी की आप लोगों ने लोकसभा से रिजल्ट के बाद से अभी तक की? अगर आपकी रणनीति की बात करें, आपको फील्ड में जाने की बात करें, किस तरीके से आप मुकाबले को देख रहे हैं? देखिए, जैसे पहला चर्चा हो चुकी है, लोकसभा में मुद्दे और थे और विधानसभा के मुद्दे और हैं। आज जो हमारे सामने मुद्दे हैं लोगों के सामने, वही सरकार की परफॉर्मेंस, इस सरकार के वायदे हैं, जैसा सारी चर्चा हुई है, और ये सरकार विफल सरकार है और कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। ये ठीक है, मैं समझता हूँ। अगला सवाल आप कहेंगे कि कांग्रेस का संगठन पूरा नहीं है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नहीं है, जिला कांग्रेस कमेटी नहीं है, तो कैसे आप? ये ठीक बात है आपकी। और फिर दूसरा साथ भी ये कहेंगे, ये फैसला देर में किया, लेट है, लेकिन इट इज बेटर देन नेवर। तो ये आज फैसला हुआ और वी हैव टू लुक फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड। हम पूरी तरह से तैयार है, हमारे कार्यकर्ता जो है पूरी तरह से तैयार है। जैसे हम 10 पाल अपने क्षेत्रों में गए हैं, मैं और संजय जी, जो उनसे हमारे को सहयोग मिला या समर्थन मिला या जोश देखने में मिला, हमारा भी राजनीतिक तजुर्बा है, बचपन से हम इसी में है, वो एक अद्भुत जोश उनमें था, जैसे एक नया जोश पैदा हो गया था। और जब नया जोश पैदा होता कार्यकर्ताओं में, वो कुछ ना कुछ करिश्मा दिखाते हैं, वो करिश्मा अपना दिखाएंगे और कांग्रेस की सरकार बनवाएंगे। मेरा महत्व सवाल है कि हम लोगों ने आवेदन पत्र, आवेदन मतलब प्रत्याशी आवेदन मांगे थे, तो कोई टेंटेटिव नंबर हमारे पास आई कुछ हो? राउंड फिगर 1200 के। और दूसरा सवाल हुड्डा साहब से ये है कि हमारे लोकसभा इलेक्शन में थोड़ी सी कमी झलकी थी बूथ लेवल पे, तो हम कुछ उस पर फोकस कर रहे हैं क्या, जो एक कमजोरी थी? मैंने बताया ना, कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे जोर से है और बूथ लेवल पे चाह रहे। सर, आपके वक्त में एक वक्त जब आप सीएम हुआ करते थे, विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहा कि एक पर्टिकुलर इलाके का ही हरियाणा में विकास हुआ है। इस बार तो वो किला भी जो आपका था वो भी तरक गया, अब कैसे इस चीज को आप? देखिए, मैंने अभी सारी गिनवाई है, पंचकुला से लेकर और मैं महेंद्रगढ़ भिवानी सिरसा तक, ये एक इलाके की बात नहीं। लेकिन जहां तक इनका सवाल है, ये मेरे पास रिकॉर्डेड इनकी स्टेटमेंट्स है, आप मेरे को पता तब अखबार जाता। जब ये बाहर करते हैं कोई मुख्यमंत्री जी की भाषण करता हूं, तो उनका कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सब कुछ चुनौता कर इधर किया है अपने इलाके में। और जब सापला में आते हैं मेरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो ये कहते हैं यहां तो कुछ किया ही नहीं, तो कौन सी बात सच है उनकी, ये खुद देखे। डबल स्पीकिंग की बात है ये, जो इनसे पूछे ये सत्ता साथ सबका विकास क्या चीज है, इसका मतलब यह है ना, ना किसी का साथ ना किसी का विकास। एक छोटा सा सवाल कि बीजेपी अब की बार 75 पार कहती है, लेकिन कांग्रेस का क्या टारगेट रहेगा इस बार? कांग्रेस की सरकार बनेगी बहुमत, बहुमत से सरकार। हम इस तरह के खोखले वायदों में और इस तरह के खोखले स्लोगन्स में विश्वास नहीं रखते, हम काम में विश्वास रखते हैं। और हमारा पूरा विश्वास अपने कार्यकर्ताओं पर, हरियाणा के लोगों पर है, और हम आपको उसी विश्वास के साथ कह सकते हैं कि सरकार अगली कांग्रेस पार्टी की है। शैलजा जी, एक परिवार में 3-3 कैंडिडेट आपके पास में दावेदार हैं विधानसभा के लिए, 2 और 3 हैं, तो क्या उन सभी को टिकट के लिए कंसीडर किया जाएगा या सभी को टिकट दी जाएगी? इस तरह का जैसे भाजपा ने तय कर लिया है कि वो
परिवारवाद की राजनीति को आगे नहीं बढ़ाएंगे, आप करेंगे एक सवाल। दूसरा इससे जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है कि जो लोकसभा में कैंडिडेट आपने उतारे थे उनको रिपीट किया जाएगा क्या विधानसभा? क्या उन्होंने तय कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने? और अखबार के मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ता है कि उनमें घमासान मचा हुआ है कि अपने परिवारों किस किस के परिवार का क्या करेंगे। तो बात वो नहीं, हम हर चीज को मेरिट पर देखेंगे और मेरिट पर ही फैसले लिए जाएंगे। देखिए, ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं ये आपको बताने के लिए एक नियम शैलजा जी, एक तरफ आप लोग अपनी चुनावी कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं, उनका भी उनका भाषण होने वाला है, भव्य स्वागत भारत में होगा। तो क्या आपको लगता है खट्टर सरकार पे आप हमला तो बोल रहे हैं पर जब चुनाव करीब आ जाते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है और जो मोदी फैक्टर है वो सारा जो है नलिफाई कर देता है, शून्य कर देता है आपके कैंपेन को, क्या उसमें भी फोकस रहेगा? हरियाणा का चुनाव हरियाणा के मुद्दों पर होगा और जो बातें हरियाणा के नागरिक को अफेक्ट करती हैं उस पर होगा। अब इनके तो इवेंट दुनिया भर में होते रहते हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं, वो तो इनका रोज का काम है। हरियाणा देश के लोग, हरियाणा के लोग, देश के लोग तो आर्थिक मंदी से त्रस्त हैं। आज उनको देश की चिंता नहीं है, विदेशों में स्वागत भव्य हो रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ स्वागत करवा रहे हैं, लेकिन उससे जो यहाँ के नागरिकों की पीड़ा है और यहाँ पर जो आर्थिक मंदी हो रही है हमारे देश में, प्रदेश में, उसका जवाब नहीं मिलता है। जवाब हमें हरियाणा की जनता को अपने लोगों के मुद्दों के लिए चाहिए, ना कि इवेंट मैनेजमेंट देखना है किसी। मैं क्वेश्चन टू मिस्टर गुड्डा सर, सर भारतीय जनता पार्टी इज पिचिंग देयर कैंपेन एंड रेकिंग अप द इशू ऑफ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड आर पिचिंग दैट दे आर अ नेशनलिस्टिक फोर्स एंड दैट्स व्हाई दे शुड बी वोटेड फॉर। व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट दैट? तो यू नो इट 370 as far as 370 concerned, I had some view, my party colleagues had some view, but now 370 is no more issue because it has already become law. When anything become law, nobody opposes. So it is part of law. How can there be issue? One thing, you've given me this opportunity, I would like to take this opportunity. Of 370, may I finish? 370 का मायने जो हरियाणा के लोगों को बताया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, उनकी इंटरप्रिटेशन अगर हरियाणा के लोग एक्सेप्ट करें 370 की, उनकी इंटरप्रिटेशन ये है कि 370 का बहुत फायदा होगा हरियाणा को, हरियाणा के युवाओं को, और ये वहां से जाकर कश्मीरी लड़कियों को ले आएंगे। क्या ये मतलब है? क्या कश्मीरी या झारखंड की या कहीं की भी या हमारे हरियाणा की भी लड़कियां क्या प्रॉपर्टी हैं, कमोडिटी हैं? तो ये इनकी मानसिकता दिखाते हैं। 370 का कोई इशू नहीं है लेकिन इनकी मानसिकता जरूर झलक जाती है। पहले हरियाणा के हमारे युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार दें, उनके हाथ में कुछ पैसा दें, वो प्रॉपर्टी यहीं खरीद लेंगे अपनी हरियाणा में, लेकिन उनके लिए कुछ करें तो सही। 20 लाख जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए क्या है ये 370 का और कश्मीर का क्या सपना दिखाना चाह रहे हैं? ऐसा है, राव साहब ने तो कांग्रेस छोड़नी थी, ये कांग्रेस में रह गए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं,